अगर किसी को जिंदगी के अंदर किसी चीज की सख्त हाजत हो या किसी चीज की सख्त जरूरत हो और उसके पास असबाब ना हो और उसकी जरूरत पूरी ना हो रही हो, तो मैं वो अमल बताने जा रहा हूं कि जो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हुक्म कुरान करीम के अंदर भी नाजिल फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, कि ईमान वालों जब भी तुम्हें कोई सख्त हाजत दरपेश हो, कोई सख्त जरूरत दरपेश हो, इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, कि सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद तलब करो। ये एक ऐसा अमल है कि जो इंसान की सख्त से सख्त ज़रूरत को भी अल्लाह तबारक व ताला हल फरमा देता है। अल्लाह तबारक व ताला सख्त परेशानियों के अंदर उस शख्स की मदद फरमाता है। लेकिन आज हम सिर्फ वजीफों के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज एक ऐसा अमल हमें दिया है कि जो अल्लाह तबारक व ताला से बराह रास्त गुफ्तगू करने का और बराह रास्त अल्लाह तबारक व ताला से बातें करने का जरिया है। दो रकात नमाज पढ़िए, सलातुल हाजा की नमाज पढ़िए, सलातुल तौबा की नमाज पढ़िए, नफल की नमाज पढ़िए और नमाज के बाद में अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा करके रोइए, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अमन वल अमान वल अफ्व वल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह तबारक व ताला से अमन मांगिए, सलामती मांगिए, अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने रखिए। ये ऐसा अमल है कि जिस अमल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई सख्त हाजत और कोई सख्त ज़रूरत दरपेश होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद की तरफ दौड़ा करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद की तरफ आया करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन अल्लाह के सामने खड़े हो जाया करते थे। तो आज हम इस अमल को तो करते नहीं है और फिर हम परेशान होते रहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है, हमें इसकी ज़रूरत है, हमारी हाजत पूरी नहीं हो रही, हमारी परेशानियाँ दूर नहीं हो रही, हमारा कर्जा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह के वास्ते सिर्फ़ और सिर्फ दो रकात नमाज पढ़ करके और इखलास के साथ, ध्यान और तवज्जो के साथ दो रकात नमाज पढ़िए और उसके बाद अल्लाह से मांगिए, अल्लाह तबारक व ताला ज़रूरत पूरी फरमा देगा। इसलिए कि कुरान करीम का भी वादा है और अल्लाह तबारक व ताला ने यह भी फरमाया कि बिस्सब्र व सला, कि सब्र से काम लो, सब्र करो। ये अल्लाह की तरफ से जो परेशानियाँ आती हैं, ये मुसीबतें आती हैं, ये सिर्फ इंसान को और मोमिन को और मुसलमान को आजमाने के लिए आती हैं कि ये मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मेरे बंदे के दिल में कितनी मेरी मोहब्बत है, क्या ये मेरे आजमाइशों को और मैं जो इससे आजमाइश ले रहा हूँ, क्या ये अपनी आजमाइश में मुकम्मल तौर पर उतरता है या फिर शिकवा शिकायत करने लगता है कि मेरे रब ने जो है मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने कौन सा गुनाह किया, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, तो क्या मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है या सिर्फ जो है मेरी शिकवा शिकायत करने लगता है। मैं इसका खुदा हूँ, मैं इसका रब हूँ, ये मेरा बंदा है, मैं इसको आजमाना चाहता हूँ। तो मेरा आजीज़ों, जब भी परेशानी और मुसीबत आए तो एक तो सब्र करना और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़े होकर के और अल्लाह से मांगते रहना, ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए।